सो हाय दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो एक कंपैरिजन वीडियो है दो ब्लूटूथ हेडफोन का, एक बोल का और एक बोट का, जो मैंने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे से खरीदा था। तो आज चलिए मैं दोनों को कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि कौन सा हेडफोन अच्छा है और आप कौन सा ले सकते हैं। तो ये जो हेडफोन है ये बोट का रॉकर्स 235 हेडफोन है, जो मैंने बिग बिलियन डे से फ्लिपकार्ट से खरीदा था। और ये जो है मेरे पास बोल्ट का प्रो बास कर्व, सो ये आपको दिख रहा होगा। और ये दोनों जो मैंने खरीदा है, तो चलिए मैं अभी आपको ईच एंड एवरीथिंग रिव्यू करके बताऊंगा ताकि आपको इससे आइडिया मिल सके कि कौन सा हेडफोन आपको लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली दोनों हेडफोन काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे दोनों हेडफोन अच्छा लगा, ख़राब नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि व्यूअर्स को पता होना चाहिए। ये मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन शायद नहीं भी हो सकता है। सो मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो ये जो हेडफोन है, ये वाला जो ब्लूटूथ हेडफोन है ये बोल्ट का है। ये देखिए यहाँ पे बोल्ट का लोगो है और ये थोड़ा इस तरीके से दिखता है, ठीक है। लुक तो अच्छा है इसका, लुक बहुत ही अच्छा है, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा। सो ये हेडफोन बोट का है और आपको दिख रहा होगा कि मैंने गले में जो पहन के रखा है ये जो है ये बोट का है। ये देखिए यहाँ पे बोट का ब्रांडिंग है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो मोर और लेस दोनों का फंक्शन तो एक ही है, लेकिन थोड़े बहुत टेक्निकलिटी में डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोल्ट का। अगर आप बोल्ट का लेंगे ना, तो इसमें मुझे एक चीज जो अच्छा लगा, इसका जो लुक है ये वाला, ये अच्छा है। ये जो एंड पॉइंट है इसका बहुत लुक अच्छा है। इसका जो चार्जिंग पोर्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका चार्जिंग पोर्ट एकदम नीचे से है और एकदम ब्यूटीफुल है, मतलब थोड़ा सा भी आपको लगेगा नहीं यार थोड़ा भी इधर उधर हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं, ये बहुत अच्छा है इसका। इसका जो बटन्स है दोस्तों, मुझे इसका बटन्स पे थोड़ा प्रॉब्लम लगा, क्योंकि ये ना मतलब थोड़ा थोड़ा आवाज कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर से बैठाया हुआ बटन है, ये इनबिल्ट मतलब ये नहीं है, ये थोड़ा लूज है। आप अगर इसको पहनेंगे ना ऐसे 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 हाथ भी रखेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा लूज लगेगा, तो ऐसा लग रहा है कि यार ये खुल के ना गिर जाए। बट खुलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये खुलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आवाज होता है। इस हेडफोन में एक चीज और भी अच्छा है, जो इसका ईयरबड, ईयरबड तो बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। ये अगर आप इसको गले में डाल के अगर इस ईयरबड को आप अपने कान में डालते हो, तो इसका फिटिंग एकदम जबरदस्त है। ये सीधा कान में जाकर सेट होता है, क्योंकि देखिए इसका इसका जो बिल्डअप क्वालिटी है, ये हेडफोन जैसे बनाया है, ये देखिए ये एकदम कान में फिट हो रहा है परफेक्टली, थोड़ा भी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा बोल्ट में। और वायर क्वालिटी नॉर्मल है दोस्तों, इसमें मतलब मुझे कुछ ये नहीं लगा, नॉर्मल वायर क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल इसका क्वालिटी जो है ठीक है, मतलब मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, एवरेज ठीक है। और साउंड क्वालिटी भी उतना कोई खास नहीं है, ये भी नॉर्मल है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ठीक है, मतलब इस प्राइस रेंज में, क्योंकि ये नॉर्मली फ्लिपकार्ट पे मिलता है अराउंड 1200 और मैंने बिग बिलियन डे में लिया था, 899 का पड़ा। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट अगर मुझे रेट करना पड़े तो आउट ऑफ 5 मैं इसे रेट करूँगा 3 बिकॉज ऑफ दिस वन। और इसका एक चीज़ और जो मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों, इसका जो नेक बैंड है, ये नेक बैंड बहुत छोटा है। सो सी अगर आप कंपेयर करेंगे बोट के साथ, ये नीचे वाला मेरा बोट है, ये बोल्ट का है, तो ये नेक बैंड बहुत छोटा है, मतलब मेरे गले में तो ये यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, तो बहुत रिस्क लगता है कि कहीं ये रोड पर गिर ना जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की है, बट अगर बोट का कंपेयर करेंगे तो देखिए बोट मेरा यहाँ तक पूरा यहाँ तक आ जाता है। सो इस मैटर में मैं ये बोलूँगा कि जो मतलब थोड़े से छोटे हैं या जिसका थोड़ा ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो वो ये यूज़ कर सकता है बेसिकली। तो मैंने क्या किया, मैंने ये अपने वाइफ को दे के रखा है, क्योंकि उसके गले में ये परफेक्टली फिट आ रहा है, तो सी इज़ यूजिंग दिस वन। और आइए अभी मैं बताता हूँ कि बोट का कैसा है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका बिल्डअप क्वालिटी ऑसम है, ऑसम बहुत अच्छा है। एक एक तो इसका जो ये स्विच सब है ये इंटैक्ट है, कहीं पे भी कुछ आवाज़ आता नहीं है, ये बेस्ट फिटिंग किया हुआ है। इसका हेडफोन वाला इसका चार्जिंग पोर्ट जो है वो नीचे में दिया है, ये हेडफोन के नीचे में, उसका सामने में था, बोल्ट का सामने में था, यहाँ पे इसका नीचे दिया है, जो कि अच्छा है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टाइट है, ये निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट ठीक है, इंटैक्ट है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा लगा, इसका नेक बैंड इतना लंबा है इसका कि देखिए यहाँ तक आ गया, आप अपने कॉलर के अंदर एकदम बढ़िया से कॉलर के अंदर डाल लेंगे और ये हेडफोन को ऐसे रख के
किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके गले में हेडफोन है। वैराज जहाँ पे बोट का था वो थोड़ा छोटा था तो वो कॉलर से निकल जाता था मेरे लिए। सो ये मुझे अच्छा लगा। बिल्डअप क्वालिटी मोरलेस दोनों का सेम ही है, ये थोड़ा बेटर है मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा बेटर है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, वो थोड़ा सॉफ्ट था। सो बिल्डअप क्वालिटी इसका अच्छा है। वायर तो मोरलेस दोनों का सेम है। हेडफोन तो मैं बोलूँगा कि हेडफोन वो जो बोल्ट का हेडफोन था वो बोल्ट का हेडफोन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो एकदम ईयर्स में पूरा पूरी अंदर चला जाता है। ये वाला क्या है कि ये थोड़ा कान के बाहर ये निकला हुआ रहता है, तो अगर हेलमेट वगैरह पहनेंगे तो थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट इज़ ओके, मैनेजेबल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जो लास्ट मैं बोलूँगा बोट के बारे में, इसका साउंड क्वालिटी दोस्तों, अगर मैं कंपेयर करूँ बोल्ट के साथ बोट को, सो इसका साउंड क्वालिटी इज़ ऑसम, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़। ये बोट का जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों, ये आप इसमें सुनेंगे और जस्ट इसमें सुनेंगे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बोट ने कहीं पे भी थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया साउंड के मैटर पे। सो ओवरऑल अगर आप मुझे रेट करने के लिए बोलेंगे तो मैं बोट को 5 out of 5 तो बनता है, बोट के लिए तो बनता है क्योंकि इसका बिल्डअप क्वालिटी, इसका लेंथ जो नेक बैंड का लेंथ है वो, और इसका साउंड क्वालिटी इज लाइक एनीथिंग, मतलब आप कान में पहन के कोई भी गाना सुन लो आप बस। बोट में दोस्तों एक सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मुझे लगा कि यार जब आपका फ़ोन आता है तो आपको मतलब पता चल जाएगा, कभी कभी ऐसा है आप कितने भी भीड़ में होंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि इसका जो हेडफोन जो आउटर पार्ट है ये वाला जो बाहर में दिखता है वो वाइब्रेट होता है दोस्तों। ये वाला पार्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन योर इनकमिंग कॉल इज देयर। सो ये ऑसम है, मतलब ये तो बोल्ट में है ही नहीं, ठीक है, और ये बोट में तो गजब है, मतलब अगर आपके पॉकेट में फ़ोन है, आपको आप भीड़ में हैं और आपको सुनाई नहीं दिया तो यहाँ पे वाइब्रेट होता है आपका, आप इसको कॉलर के अंदर में भी रखेंगे तो ये पूरा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है, तो आप आराम से इसको पिकअप करके यहाँ से फ़ोन पिक करके अपना बात जो भी है कन्वर्सेशन कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज़ द एडेड फैसिलिटी इन दिस बोट माइक्रोफोन हेडफोन ब्लूटूथ हेडसेट। सो आउट ऑफ 5 नो डाउट आई एम गिविंग 5 फॉर दिस बोट ब्लूटूथ हेडफोन, दिस इज बोट रॉकर्स 235, और ये जो है ये बोल्ट है, सो आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3 बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, बाकी तो मुझे अच्छा, बिल्डअप क्वालिटी इसका भी अच्छा है लेकिन आई विल गिव 3। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये दोनों का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, और दोनों का प्राइस एक ही है दोस्तों क्योंकि फ्लिपकार्ट से दोनों ही मैंने खरीदा था, दोनों का प्राइस 899 ही लिया मुझसे, और नॉर्मली अगर आप फ्लिपकार्ट से लोगे तो ये शायद 1299 अराउंड ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। सो आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही ठीक है, दोनों ही अपना काम अच्छा करता है, बोट थोड़ा ज़्यादा करता है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, तो मैं तो प्रीफर करूँगा अगर आपको सेम रेट में मिल रहा है तो प्लीज़ गो विथ बोट, बट देन अगेन इट इज़ योर चॉइस व्हाट यू वांट टू टेक, ओके। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसा वीडियोज़ आपके सामने आगे भी लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।